हेलो एवरीवन, ये पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में पहाड़ी स्कूल के ओरिजिन को समझा, उसका टाइम पीरियड पढ़ा, इन्फ्लुएंस पढ़ा और उसके दो मेन सब स्कूल्स पढ़े, बसौली और कांगड़ा। अब आगे के जो सब स्कूल्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। सो आप जो पिछला अगर रह गया है तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट सब स्कूल है वो है गुलेर। दिस स्कूल अपेयर्स टू हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग अमंगस्ट ऑल द पहाड़ी स्कूल्स। गुलेर के राजा गोवर्धन सिंह ने अनेक चित्रकारों को आश्रय दिया और प्रोत्साहन भी दिया। गुलेर शैली का है विकसित रूप कांगड़ा था। हमें शैली में ग्रेजुअल चेंजेस दिखते हैं ड्यू टू मुगल इन्फ्लुएंस। शुरुआती पेंटिंग्स में इनकी बसौली के साथ समानता थी, उसके जैसे थे कुछ कुछ, जैसा कि बैकग्राउंड में फ्लैट कलर करना। धीरे धीरे इनकी पेंटिंग्स में नेचुरलिज्म बढ़ता गया, एक डेलिकेसी आ गई स्टाइल में। लैंडस्केप्स वर मोर नेचुरलिस्टिक, पेड़ पौधों में स्टाइलाइजेशन आया, साइप्रस ट्रीज लगभग हर पेंटिंग में बनाया जाने लगा। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम गुलेर की बात करें तो मुख्य विषय रामायण, भगवद गीता, गीत गोविंदा, बिहारी सतसई, बारामासा और रागमाला रहे। यहाँ सोनी महिवाल के भी बहुत चित्र बने हैं। रॉयल कोर्ट सीन्स, पशु पक्षियों को यथार्थ रूप से बनाया गया। गोल्डन कलर को काफ़ी यूज़ किया गया है। और अगला स्कूल है कुल्लू मंडी स्कूल। इस स्कूल की पेंटिंग्स थोड़ी अलग थी बाकी सब पहाड़ी स्कूल से। राजा मान सिंह और राजा प्रीतम सिंह ने इस कला को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। ये जो राजा थे विष्णु और शिव के भक्त थे, इसलिए कृष्ण लीलाओं के साथ साथ शिव भक्ति पर भी कई कृतियां बनाई गई। कुल्लू के कुछ राजाओं के चित्र, सुल्तानपुर के महलों की चित्रकारी, मालती माधो नाम के चित्र ग्रंथ हुए। पेंटिंग में अलग अलग तरह की देवियों को, उनके तांत्रिक रूपों का भी चित्रण यहाँ पर मिलता है। और इस पेंटिंग में इन पेंटिंग्स में डार्क ग्रे, ब्लैक, रेड और ब्लू कलर ज़्यादा लगाया गया। दैनिक क्रियाकलापों संबंधित कई चित्र बनाए गए, मतलब डेली रूटीन के साथ। यहाँ स्त्रियों की वेस्ट लाइन को पतला, ओवल फेसेस, लंबे पतले हाथ, जैसे गद्दी औरतों के समान वेशभूषा और तिब्बती टोपी का पहनावा दिखाया गया है। भगवान दास यहाँ के दरबारी कलाकार थे। नेक्स्ट हमारा स्कूल है गढ़वाल स्कूल। गढ़वाल स्कूल की बहुत सी समानताएं हैं कांगड़ा शैली के साथ। हम कह सकते हैं कि दोनों की इंस्पिरेशन सेम थी, वो था गुलेर स्कूल। शुरुआती गढ़वाल पेंटिंग्स में मुगल स्टाइल का प्रभाव था। इस स्कूल में मुख्य आकृति कांगड़ा शैली की अपेक्षा लंबी बनी है। नारी चित्रण के अलावा पौराणिक विषयों में देवी देवताओं को बड़ी दक्षता के साथ बनाया गया। भगवत पुराण गढ़वाल शैली के चित्रकारों का आधार रहा है, मतलब इस पर बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके साथ दूसरी विशेषता प्रकृति चित्रण है। बिना पत्तों के वृक्ष, फूलों से लदे हुए वृक्ष, चौड़े पंखे की तरह फैले हुए वृक्ष, केले के पेड़, कदम्ब के पेड़, पुष्पों से भरी हुई झाड़ियाँ दिखाई गई हैं। बहुत रिदमिक लाइन्स हैं। इस स्कूल की एक विशेषता है ऑर्नामेंटेशन। नायक नायिका के आभूषण बहुत सुंदर बनाए गए हैं, क्योंकि बेसिकली ये कलाकार पेशे से स्वर्णकार थे, ज्वेलर्स थे। हारमोनियस कलर लगाए गए हैं। नायक नायिका भेद फ्रीक्वेंटली बनाया गया। कृष्ण सुदामा की कहानियाँ दिखाई गई, रामायण महाभारत पर कई चित्र बने हैं और इनके मेन आर्टिस्ट थे मौलाराम। कहा जाता है कि इनके स्टूडेंट सीखने के लिए इनसे 30 मील पैदल चलकर आते थे। अगला है चंबा स्कूल। चंबा को कला की घाटी कहा जाता है। राजा उदय सिंह और राजा जय सिंह इसके संरक्षण थे। ज़्यादातर मुगल इन्फ्लुएंस हमें दिखता है इनकी पेंटिंग्स और म्यूरल्स में। चंबा पेंटिंग्स आर नोन फॉर देयर फाइननेस इन नेचुरलिज्म, फ्रेशनेस इन कलर्स एंड डेलिकेसी इन एग्जीक्यूशन। इन पेंटिंग्स में महिला आकृतियों को कोमल बनाया गया है। इसमें अलग ही एक सम्मोहन है। मेन सब्जेक्ट्स हिंदू माइथोलॉजी, बारामासा, राम दरबार, गोपियाँ, लव सीन्स ऑफ राधा कृष्ण। और इनके ना भूरी सिंह म्यूजियम में दो तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं, एक शासकों के पोर्ट्रेट्स, उनके कॉन्सर्ट्स, दरबारी चित्र, और दूसरी तरफ माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में फ्लैट बैकग्राउंड्स हैं, नेचर को स्टाइलाइज्ड वे में बनाया गया है। टिपिकल ट्रीज बने हैं, क्राउडेड विद ट्रायंगुलर फॉलिएजेस एंड इररेगुलर ट्रंक्स। मास्टर आर्टिस्ट लहरू, दुर्गा, मियाँ जारा सिंह के नाम हैं।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल, और इस स्कूल को डिटेल में इसलिए समझाया है क्योंकि अब आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको कंटेंट बेस्ड लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेंथी क्वेश्चंस में आपको एसे ऑन पहाड़ी स्कूल, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल, डिटेल नोट ऑन एनी सब स्कूल आ सकते हैं। एंड जल्द ही हम इस चैप्टर के MCQs भी डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिवर्ट यू बैक। सो मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।